नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके मीडिया फेसबुक लाइव। हमेशा से कोशिश रहती है कि हर भाषा को आगे लाया जाए, लेकिन डोगरी की अगर हम बात करें तो उसे किस तरह हम पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि डोगरी भाषा को 8वें शेड्यूल में लाया तो गया है, लेकिन इस पर कितना काम होता है। अगर हम अपनी ही बात कर लें, हम कितना डोगरी बोलते हैं, कितना प्रेफर करते हैं डोगरी बोलना, ये भी सबके सामने है। हर कोई अगर कहीं पे भी जाता है, सोसाइटी में चला जाए, रिश्तेदारों के घर में चला जाए, तो डोगरी बोलने के लिए शर्म महसूस की जाती है। इसमें कोई दोहराय नहीं है। हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बने, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा डोगरी बोले। तो आज आपने कैप्शन पढ़ लिया होगा, लाइव इंटरेक्शन विद राजेंद्र रांझा। ये एक डोगरी कवि हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं इन्होंने लिखी हुई हैं, पोइट्रियाँ लिखते हैं। सबसे पहले तो उनसे मिलाना चाहूँगी। सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, उन थोड़े कने डोगरी च की गल करनी है, क्योंकि डोगरी भाषा की अगे बढ़ावा देना है, तो सब तो पहले अपने आप को शुरुआत करनी है कि अस लोग आपे डोगरी बोलचे, तो सानू दिखिए लोग फिर बोलना शुरू करना। क्योंकि हर एक मैं दिखनी हूँ, कई बार लोगों के कमेंट्स लिखे दा होता कि खुद तो बोल लो, और सही बात है कि जब हम कोई भी शुरुआत करते हैं तो अपने घर से करें। तो सारे को पहले ये जानना चाहनी कि डोगरी भाषा लिए कितना काम किया हूं तक। नमस्कार मैडम, पहले नंबर तो मेरी खुशी हुआ करती कि जिसले तुसे इंटरव्यू शुरुआत की, तो मैं सोचा करता हाँ कि जिसले डोगरी की गल करनी है तो अगर डोगरी च गए है तो बड़ी अच्छी है। और मिगी अच्छा लगा कि जिसले तुसे इंटरव्यू की शुरुआत हुन की है कि डोगरी च करा करते हो, तो मेरे लिए खुशी की गल है। बाकी तुहाडा जिहड़ा आखना है, डोगरी भाषा जिहड़ी है संसार की दूइयां भाषाएं हिंदुस्तान की कुसै भी भाषा को साहित्यक तौर पर, क्योंकि जिहड़ा साहित्य है हिंदुस्तान दियां दूइयां भाषाएं च लिखिया जा करदा है, वो सारी दी सारा साहित्य जिहड़ा उसै चाली दा उसै वजन दा साहित्य जिहड़ा डोगरी भाषा च भी लुकुआ करदा है। और गतिविधियां जिहड़ियां शुरुआती दिनें च साढ़े कोल बड़े घट लोक हे लिखारी हे, लेकिन उन्हें कोशिश की थी कि भाषा की समृद्ध करने च कोई कसर नहीं रवे। अज भी नवें युवा जिहड़े न वो इहदे कन्नै जुड़े करदे न। किश परेशानियां जिहड़ियां न वो पहले भी आंदियां ही ते अज भी आवा करदियां, और वो परेशानियां जिहड़ियां वो साहित्यक नहीं होई है, राजनीतिक न, जिहदी वजह ये भी जानना चाहनी कि की परेशानियां आवा दियां ना, वह साढ़े दर्शक भी जानना चाहन, ते उन्हें की हल करने लई की कुछ करना चाहिदा है वह भी जानना चाहनी। हाँ जी मैम, सारे कोला पहली तो यह है कि नर्सरी का लेइए एम ए तकर पी एच डी तकर किताबा जिहड़ियां ने डोगरी दियां बनी दियां पेदियां, लेकिन और आर्डर जिहड़ा गवर्नमेंट का जम्मू कश्मीर का गवर्नर का आर्डर पहले तो होता है कि यह प्राइमरी तकर मिडल तकर लगनी चाहिए स्कूलें च किताबा, लेकिन वो बावजूद भी राजनीतिक तौर पर जिहड़ा साढ़े एक नसाजिश हुआ करती कश्मीरी जिहड़ी वह पढ़ाई जा करती है। दूइयां भाषा जिहड़ियां पंजाब की जिल्ले तुस गल करके पंजाब च पंजाबी हर प्राइमरी स्कूल च पढ़ाई जाती है, जम्मू में डोगरी स्कूलों में जिले तकर नहीं पढ़ाई जा उसले तक यदा भला नहीं हो सकता, क्योंकि जिस स्कूल दे विच बच्चा डोगरी पढ़ ही नहीं सकता उत्थे उसी बच्चे की डोगरी बोलन नहीं दिता जाता। जिले तक सख्ती कन्नै सारे प्राइवेट और सरकारी स्कूलें विच अस डोगरी की लागू नहीं करवागे, तो डोगरी की जिहड़ी पहचान डोगरी ते डोगरी डोगरा आइडेंटिटी जिहड़ी है वह भी मिगी लगदा खतरे विच है अगर अस ये चीज़ नहीं करवाई पाते। और रही गल एदी कि राजनीतिक तौर पर अस इस करिए कमजोर मैं मन्ना दा, क्योंकि साढ़े कोल चार पांच यूनिवर्सिटियां, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उत्थे डोगरी डिपार्टमेंट नहीं है, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी है उत्थे डोगरी डिपार्टमेंट नहीं है, कटरा माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है उत्थे डोगरी डिपार्टमेंट नहीं है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है उत्थे डोगरी डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन ये सारिया यूनिवर्सिटियां जिथे कश्मीरी का हर जगह डिपार्टमेंट है और भाषाएं दा डिपार्टमेंट। ये बड़ा बड़ा सवाल है कि कश्मीर च कश्मीरी यूनिवर्सिटी दे अंदर सब्जेक्ट है, नारायणा अगर श्राइन बोर्ड दी अगर अस गल करचे श्राइन बोर्ड जी जिहड़ी यूनिवर्सिटी है उहदे अंदर कश्मीरी दी भी है, लेकिन क्या डोगरी भाषा की उहदे विच आनना जरूरी नहीं है। अगर अस अपने विधायकें दी गल करचे जिहड़े साढ़े सांसद बनते न विधायक बनते न, क्या वह डोगरे नहीं हैं? वह डोगरे बनते तो हैं पर डोगरे लिए काम नहीं करते, एक बड़ा बड़ा सवाल है। राजेंद्र जी ये भी जानना चाहते कि जल्द ये लोग
इलेक्शन लड़ते हैं जिले लोग आते हैं घर घर मिलने आते हैं कि थोड़ा अस हर एक समस्या का हल करिए क्या ये लोग करते हैं क्योंकि डोगरी भाषा है कि जो अगे नहीं ले जा सके तो उन्हें अगे की करना है मेरा मानना है कि अजे तक तो जम्मू और डोगरा जड़ा है वह ठगोंदा कर रहा है क्योंकि जिंया के इलेक्शन आदि चुनाव आते हैं सारे को मती जी रौला है वह डुगर डोगरा डोगरी के नाँ पर पाँगा पिछले दिन भी तुम दिखा दे कि कोई फलाना ट्रस्ट च आई है कोई फलाना स्वाभिमान आई है कुसा ने आख्या नहीं अस नहीं डोगरे फलाने डोगरे हैं कोई आखदा जी असें सगंध गै डोगरी च लैनी है लेकिन उस सारा उस सब कुछ जो तक ड्रामा महसूस रोग जल्द तक की डोगरी का ग्रासरूट की गल तुसे कीती है तो मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा हुंदी भी गल करंग जिहड़े इस वक्त PMO च राज्य मंत्री बनी बैठे दे ने वह भी जिहड़ी अपनी शुरुआत करते हैं वह डोगरी कन्ने करते हैं लेकिन क्या वह प्रधानमंत्री के कन्ने रोने के बावजूद भी डोगरी भाषा की अगे नहीं ले जा सकते है कि ऐसी कोई समस्या उन्दे लिए आई कि अजे तक भी डोगरी भाषा की वो अगे नहीं पजाई सके नहीं यदि शिकायत जी है मैडम कुसे एक MP या कुसे एक व्यक्ति विशेष पर यदा इल्जाम नहीं सुटिया जा सकता है कि उन्हें नहीं किया क्योंकि इस जड़ा ये स्टेट सब्जेक्ट है स्कूलें दे अंदर डोगरी भाषा की लाना प्राइमरी का लेकर 12वीं तक लगाना ये इतों की सरकार का काम है और बड़ी हैरानगी की गल यह है कि हाई कोर्ट का आर्डर है कि तुस पढ़ाओ गवर्नर का आर्डर साढ़े को मौजूद है कि पढ़ाओ किताबा साढ़े को अवेलेबल पढ़ाओ और बड़ी हैरानगी की गल यह है कि पिछले दिन फॉर्मैलिटी के तौर पर पहली दल ये 5वीं तक आखते कि डोगरी लगाई दी गई पिछले दिन डेटशीट हुई डोगरी का पेपर भी नहीं लिता गया वो सिर्फ एक खाना पूर्ति है ना तो डोगरी कोई टीचर लगाए गए जेडे आखन कि डोगरी पढ़ाई सकन जो लोग डोगरी पढ़े दे MA की PhD की उन्हें लोगों की चेचे तौर पर नियुक्त किया जा सकता है हर स्कूल के अंदर एक मिडल स्कूल के अंदर एक डोगरी टीचर जो लगाया जा सकता है डोगरी भाषा पढ़ने वाले की रोजगार भी मिले उसी लगा कि मैं चलो मातृ भाषा पढ़ी ही लेकिन उस मातृ भाषा ने मिगी और तो सब कुछ दिता संस्कृतिक तौर पर रिवाज दिते सोच दिती संस्कृति कन्नै आदमी का मन मुल बनता है लेकिन ओहदे कन्नै कन्नै ओह भाषा जिहड़ी उसी अगर रोजगार का भी साधन बनी जाती है तो मिगी लगता है कि साढ़े आने वाली जिहड़ियां पीढ़ियां वह कदें भी कतरांगन नहीं वह इसी एक मौके के तौर पर लैंगन और डोगरी जिहड़ी आ ओह फॉलो फुलो और बड़ी अगे तो फिर भी जाएगी लेकिन ये गल बड़ी अच्छी आखी है राजेंद्र हो रहे हैं कि जहाँ तक असें ही डोगरी में रोजगार नहीं दिता जाएगा साड़ा युवा जड़ा है वो डोगरी दे तरफ नहीं खिचोएगा क्योंकि जल कुछ पता के नहीं है कि ये लिए नौकरी भी मिल सकती है तुम टीचर लगी सकते हो तुम डिपार्टमेंट के काम कर सकते हो ये साढ़े जिन्हें भी डिपार्टमेंट लोग बैठे दे साड़ी सरकार के जो लोग बैठे दे उन्हें ये पर बड़ा ही ज़्यादा काम करने की जरूरत है क्योंकि अगर डोगरी की तुम अगे लेइए जाते हो तो साड़ी भाषा अगे फली फुली सकती है राजेंद्र जी हुन तुहाडे लई गल करके पर्टिकुलरली तुहाडे लई इह गल होई डोगरी दी लई है डोगरी पर बड़ा काम करने की जरूरत है और सरकारी नुमाइंदे ही इहदे उपर बड़ा काम करने की जरूरत है हुन गल करके कि तुसे हुन तक किन्नियां पोएमां लिखियां ने किन्नियां कहानियां लिखियां ने और की की लिखिया है डोगरी दी जिल्ले तुस गल करके मेरे जने मते लोकें दी गल अपने आप गई जाग तो कविता कोई मैं मतियां ज़्यादा नहीं लिखी सकिया मेरी एक किताब जी तेरे रखेच ना कन्नै 2016 छपिए सामने आई ही 2017 च उस किताब की साहित्य अकादमी पुरस्कार जड़ा युवा उतो ही है उदे बाद भी मेरा लेखन जड़ा वो बरकरार है कुछ छोटी छोटी लघु नाटिका ते कोई बिचे बिचे टामी टामी कहानी जड़ी है वो मैं लिखता गै रौह्ना और एक कलम जड़ी है आस्ता आस्ता अपनी रफ्तार करना चला करती है इरखे ऊपर लिखिया प्यार ऊपर लिखिया कि संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा कुछ लोगों लिए छड़ना चाहते हैं मैसेज कि इहदे लिए इरख प्यार क्योंकि दुनिया च प्यार होना बड़ा जरूरी है जिस तरीके कने नफरत फैली दी है आपू च प्यार होना बड़ा जरूरी है हाँ मिगी भी लगता है कि प्यार इरख गए एक ऐसी प्यार का एक ऐसा तरीका है इरख का एक वो डोर है जिहड़ी कि पूरी मानवता जाति की बननी सकती है एक करी सकती है और दुनिया की सारी समस्याएं का समाधान जड़ा है वो प्यार कन्नै इरख कन्नै गै वाजब होई सकता है
ਔਰ ਡੋਗਰਾ ਅਕੈਡਮੀ ਕਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਦਿਓ ਜੀ ਹਾਂ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਦੱਸਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਮੰਚ ਕਰਨਾ ਜੋੜਨੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕਵਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਵਿਤਾ ਹਨ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੀ ਛਾਪਣੇ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਕੇ ਤੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਰਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਜੋੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਮਨਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰੇ 'ਚ ਕੋਰੀ ਇੱਕੀਏਂ ਗੀ ਆਸੇ ਦੇ ਪੰਗੜੂ ਲਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰੇ 'ਚ ਕੋਰੀ ਇੱਕੀਏਂ ਗੀ ਆਸੇ ਦੇ ਪੰਗੜੂ ਲਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰੇ 'ਚ ਸਿੱਜਦੇ ਸੋਨੇ ਗੀ ਸਕਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰੇ 'ਚ ਗੰਢੇ ਕਰਨਾ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬੋਲ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਤੀ ਹੈ ਮਨਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰੇ 'ਚ ਚੱਕਰੇ 'ਚ ਤੂੰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸਕਾਂ ਮਤਾ ਰੋਸਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਨੇ 'ਚ ਭਜਾਈ ਸਕਾਂ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਕਰੀ ਆਪੇ ਗੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਠਹਿਰਾਈ ਸਕਾਂ ਸਿਲ ਦੀ ਜੋਤ ਇਰਖੇ ਦੀ ਬਚਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰੇ 'ਚ ਮੜਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਤੀ ਹੈ ਮਨਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰੇ 'ਚ ਮਤੀ ਦੂਰ ਰਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਛਿੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਗਨ ਸ਼ੱਕੇ ਤੇ ਬਹਿਮੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰੁੱਟਗਨ ਮਤੀ ਛਿੰਡ ਪਾਗਾ ਅਤੇ ਮਤੇ ਤਖਾੜੇ ਧੁੱਕਗਨ ਹਰ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਬਹਿਮ ਗੀ ਮਕਾਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਪਰਤੀ ਹੈ ਮਨਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰੇ 'ਚ ਰੋ ਰੋਸਾ ਛੋੜੀ ਬਿੰਦ ਅਗੜੇ ਕੀ ਵੱਧ ਹਾਂ ਉਹੀ ਬੀਤੀਏ ਪਰ ਬਸੋਸ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਹਾਂ ਦੇ ਥਰ ਯਕੀਨੇ ਗੀ ਅਤੇ ਬੇਬਸਾਈ ਤਜ ਹਾਂ ਉਹੀਏ ਬੀਤੀਏ ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਤੀ ਹੈ ਮਨਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਔਰ ਇਸ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਕਵਿਤਾਕਾਰ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਰੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੇ ਜਿਹੇ ਲੇਖਕ ਔਰ ਇਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਨੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੀ ਮਨਾਦ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਰੁਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸੀ ਬੈਠੀਏ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਉਸੀ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋਇਆ ਉਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਜਲਦੀ ਕੋਲਾ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਰਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੀ ਭਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਹੀ ਅੱਛੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਔਰ ਦਿਲੇ ਕੀ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਜੀ ਬਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਬੋਲਣੇ 'ਚ ਆਦਮੀ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਦੀ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਪਛਾਣ ਆਦਮੀ ਕੀ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਦੇ ਬਸੋਸ ਨਹੀਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਯੁਵਾ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਯੁਵਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਡੋਗਰੀ ਸਿਖਾਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਸਿੱਖੇਗਾ ਹਿੰਦੀ ਉਹ ਆਪੇ ਸਿੱਖੇਗਾ ਉਹ ਸਭ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੁਵਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਕਨੇ ਜੁੜੀ ਦੀ ਸਾਡਾ ਪਛਾਣ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਜੁੜੀ ਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਕਨੇ ਸਿੱਖੀ ਲੈ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦਸੇ ਭਾਸ਼ਾਏ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਦਰੇ ਭਾਸ਼ਾਏ ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਲੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ